हम इस दुनिया में जीते हैं जहां पे अब हमको जीने का कोई हक नहीं है। कोई हक नहीं है। आप लोग जैसा जानते हो कि मैं सक्षम कुमार क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ, और क्रिकेट का फैन से ज़्यादा मैं विराट कोहली का फैन हूँ, और मैं अपने कैप्टन रोहित शर्मा का भी फैन हूँ। हमारे पास सहन शक्ति अब नहीं है। मैं अभी आप लोगों के सामने क्रिकेट का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लेकिन लाइफ में भी, जिंदगी में भी, अभी अगस्त महीना है, 2024 है। हम अब इस लेवल पे अपना इंसानियत खो रहे हैं। हम अपना वजूद, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट और अपना एक आत्मविश्वास और अपना मोरालिटी हम इस चीज़ पे खो रहे हैं ना, जिसका कोई हद हिसाब अब है नहीं। अभी 29 जून को हमने वर्ल्ड कप जीता है, बहुत लोग सेलिब्रेट किए, बहुत लोग शोक भी मनाए कि हम अपना दो बल्लेबाज, जो कि एक छोटा पीरियड पे नहीं, मोर देन 1 डिकेड, नॉट 1 फॉर्मेट, ऑल 3 फॉर्मेट के बल्लेबाज को हमने रिटायरमेंट लेते देखा, जो लीजेंड और मॉडर्न मास्टर विराट कोहली और रोहित शर्मा के तौर पे हमने खोया T20 वर्ल्ड कप में। उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। बहुत लोग बोल रहे थे कि नहीं लेना चाहिए था, बहुत पोटेंशियल है, बहुत क्रिकेट उनमें है, और ऑफ कोर्स मेरे लिए एज इज जस्ट अ नंबर, और क्या दुनिया के लिए होना चाहिए। आज एक श्रीलंका में वनडे सीरीज हमने हारा है, और सब लोग, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रोहित शर्मा का कैप्टनसी, विराट कोहली का बल्लेबाजी, भाई तुम कितना नीचता पे उतर गए हो भाई। ठीक है, हम बहुत दिन से श्रीलंका से वनडे सीरीज नहीं हारे थे, ये लाइफ है, और हम वर्ल्ड कप के बाद हमारा पहला वनडे सीरीज था, जो वनडे वर्ल्ड कप के बाद, जिसमें विराट कोहली टॉप स्कोरर थे और रोहित शर्मा तो जो प्लेटफॉर्म सेट करते थे उनका तो कोई बात ही नहीं है। इतना अच्छा कैप्टनसी उन्होंने किया, विराट कोहली इतने अच्छे शानदार फॉर्म में थे, अच्छे खेले, टॉप स्कोरर है। अनफॉर्चुनेटली हमने फाइनल में, कोई लीग में, कोई भी वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं हारा था, लेकिन फाइनल में हमने फाइनल हार लिया, ठीक है, और उसमें भी कोहली ही थे और केएल राहुल जो टिक्के खेल रहे थे, अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए। और हमारा वनडे वर्ल्ड कप का स्कोर इतना भी बुरा नहीं था कि जिसपे हम ये बोल सकते हैं कि हमारा बैट्समैन कुछ नहीं किया, बहुत चैलेंजिंग स्कोर था। लेकिन आज एक श्रीलंका की सीरीज हम हारे हैं वनडे, तो इसमें कैप्टनसी और विराट कोहली से जो एक्सपेक्टेशन है वो नहीं हो पाया। अब देखिए लाइफ कैसा फास्ट और फॉरवर्ड हम लोग का हो चुका है, कि कैसे हम अपने आप को बना चुके हैं और कैसा दुगलापन है। एक महीना पहले की बात है, जो बेस्ट कैप्टन और जो फाइनल में विराट कोहली 78 रन मारे हैं 29 जून, 29 जून को, और सब लोग बाह बाह ही कर रहे थे, और आज कैसे
सब लोग अपना वजूद मिनट में चेंज कर रहे हो, क्या आप इंसान कहने के लायक हो? वो भी इंसान है, आप सोचो ना, आप हमेशा अच्छे करते हो, आप अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए, हर एक स्टेप में, हर एक डिसीजन में आप सही होते हो, नहीं ना? क्या आप कोई भी स्पोर्ट्स 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 या किसी भी व्यक्ति को सराहना देने के लायक हो, किसी को सपोर्ट करने के लायक हो? जो आज एक महीना के अंदर आप रोहित शर्मा का कैप्टनसी, रोहित शर्मा का पे उंगली उठा रहे हो, विराट कोहली पे उंगली उठा रहे हो, रोहित शर्मा और विराट कोहली फाइनल नवंबर में हुआ था, हम लोग बिहारी के लिए एक छठ था, छठ पर्व का फर्स्ट डे था सांझ का अर्घ, जिसमें हमारा फाइनल था वनडे वर्ल्ड कप का। उसके बाद सीधा ये लोग यहाँ वनडे खेलने आए हैं और सीरीज अभी हम हारे हैं, क्योंकि कोलंबो का हिस्ट्री है, श्रीलंका का हिस्ट्री है, अगर हम टॉस जीतते, हम तीन 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 वनडे था अभी श्रीलंका के साथ, तीनों में हम टॉस आ रहे हैं, जो टॉस जीतेगा वही गेम जीतेगा। क्या अंडरस्टैंडिंग है? इतना ट्विटर वो यूट्यूब ये सब करने का नहीं समझ में आता है क्या? नौसिखिए के लिए ठीक है कि जो क्रिकेट नहीं देखा है, जो रोहित शर्मा विराट कोहली को नहीं देखा है, लेकिन आप उनको, विराट कोहली और रोहित शर्मा को आप जानते हो मोर देन डिकेड से, कि किस तरह के बल्लेबाज हैं, किस तरह के वो इंसान हैं, और फिर आप कमेंट करते हो T20 का पिच, T20 का वेरिएशन और वनडे लॉन्ग फॉर्मेट का बहुत बड़ा चीज होता है। क्या मोरालिटी है? आप ओलंपिक ओलंपिक ये देखते हो, ये करते हो, नहीं समझ में आता है क्या? एक महीना पहले हमारे लिए भगवान हो जाता है कोई आदमी, एक महीना बाद। यार हार जीत एक सिक्के के पहलू हैं, और वो दोनों मॉडर्न मास्टर हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली, फिर भी आप लोग ऐसे करते हो, तो आई डोंट थिंक कि आपको लाइफ में भी मैच्योरिटी नहीं, मैच्योरिटी का डिफिनेशन नहीं पता है, या सिचुएशन कैसे परिस्थितियाँ बदलती है नहीं पता है। आप कभी छोड़ो, क्या बताएं? क्या बोले और क्या ना बोले? आप तो क्रिकेट फैन नहीं हो और ना रहोगे, बस जो खेलता है उसके साथ रहो, कभी किसी के खराब फॉर्म में, खराब टाइम पे फॉर्म, तो कभी इन दोनों का कभी कोई खराब नहीं रहा है। सेमीफाइनल हम जीते हैं इस वर्ल्ड कप का रोहित शर्मा के कारण, और वर्ल्ड कप हम जीते हैं विराट कोहली के बैटिंग प्लस सूर्या का कैच और अपने बॉलर के वजह से। लेकिन नहीं, हम यहाँ पे लाइफ का बात कर रहे हैं, जिंदगी का बात कर रहे हैं, कि एक बुरा इंसिडेंट के बाद आप पीछा छोड़ देते हो, किसी का हाथ पकड़ना छोड़ देते हो, क्या यही इंसानियत है? क्या हम इतने आगे चले गए हैं कि इंसानियत भूल जाए, अपना ग्रेटिट्यूड भूल जाए और हेट करना शुरू कर दें किसी के लिए? क्या ये फैन होता है? क्या ऐसा कल्चर हमारा रहा है? हम इंडियन हैं? शर्म आती है दोस्तों, या तो नहीं सपोर्ट करो तो कुछ बोलो नहीं, ठीक है? ये लोग जैसे हैं ना, हमारे लीजेंड हैं दोनों, और इन दोनों को तो खो ही चुके हैं T20 में। देखते हैं तुम लोग जिताओ वर्ल्ड कप, और मेरे लिए रोहित शर्मा से बड़ा कोई कैप्टन नहीं है और विराट कोहली से बड़ा कोई बैट्समैन है ही नहीं, मेरे लिए क्या, इतने सारे लोगों के लिए। आपको कितना आदमी फॉलो करता है इंस्टाग्राम पे? कितना? ऐसे ही कोहली को 300 मिलियन, और क्या क्या,
शर्म करो, जिंदगी अच्छा से जियो, स्पोर्ट्स को फॉलो करो। अगर आप अपने बच्चे का करियर अच्छा करना चाहते हो तो थोड़ा जिंदगी में उतार चढ़ाव सब कुछ को एनालाइज करना बैलेंस वे में सीखो। और प्लीज डोंट फॉलो क्रिकेट, यू डोंट हैव गट्स टू फॉलो एनी स्पोर्ट्स। फॉलो बॉलीवुड एक्टर्स, हॉलीवुड, वॉच नेटफ्लिक्स, OTT एंड ऑल, ओके। एंड व्हाट इज योर एज, उम्र और इस चीज पे बोलते हो, कितने दिन जिम जाते हो, खत्म करोगे।